दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। मैं आज आपको डबल एक्सपोजर की इफ़ेक्ट कैसे देते हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से सिखाऊंगा। अगर आपको ये मेरा ट्यूटोरियल्स अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक इमेज ले लेना है जिसमें आपको डबल एक्सपोजर का इफ़ेक्ट देना है और थोड़े बहुत आपको टेक्सचर भी ले लेने हैं नेट पर से। उसकी लिंक मैं आपको नीचे वीडियो में दे दूंगा जहां से आप वो टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक मेरे पास एक इमेज है, इस इमेज को मुझे डबल एक्सपोजर में दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका लॉक यहाँ से ओपन कर देंगे, डबल क्लिक करके। यहाँ पे 01 लेयर कन्वर्ट हो चुका है, इसको हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद इसका एक दूसरा मैं कॉपी ले लूँगा। यहाँ से क्लिक दबा के आपको ड्रैग करना है, इसका दूसरा कॉपी आ जाएगा, ठीक है। तो दो कॉपी ले लीजिए आप। दो कॉपी लेने के बाद सबसे पहले हम इसमें फिल्टर का इफ़ेक्ट ऐड करेंगे। तो फिल्टर का इफ़ेक्ट ऐड करने के लिए आपको फिल्टर मेनू में जाना है। फिल्टर मेनू में जाके आप यहाँ से फिल्टर गैलरी में चले जाओ। फिल्टर गैलरी में आपको सबसे पहले जो इफ़ेक्ट देना है वो आर्टिस्टिक इफेक्ट में आपको यहाँ से पोस्टर एज का इफेक्ट देना है। यहाँ से आपको एज का जो थिकनेस है वो 2 रखना है और एज की जो डेंसिटी है उसको आप 1 रख सकते हो। आपका ये जो मेरा रेजोल्यूशन मैंने सेट किया वो मेरी इमेज के ऊपर है। अगर आपकी इमेज ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन वाली है तो आप उस तरह से पैरामीटर सेट कर सकते हो। अगर लो रेजोल्यूशन वाली इमेज है तो आप उस तरह से पैरामीटर कम कर सकते हो। एक फिल्टर मैंने ऐड कर दिया है। फिर से हम वापस फिल्टर में जाएंगे और फिल्टर में जाने के बाद फिल्टर गैलरी में जाएंगे और यहाँ पे मैं एक दूसरा फिल्टर ऐड करूँगा। उस फिल्टर का स्केच नाम है स्केच में, यहाँ से कलर हाफ टोन, इसमें भी मैंने यहाँ पे सेटिंग करके रखा हुआ है। जो इसका हाफ टोन का साइज़ है डॉट का वो मैंने 2 रखा हुआ है और उसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो 35 रखा हुआ है। आप अपनी इमेज के हिसाब से यहाँ से पैरामीटर जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। इतना सेटिंग कर देने के बाद अब मैंने 2 फिल्टर यहाँ पे ऐड किए हैं। तो उसमें जो नीचे वाला फिल्टर था उसका इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत चला गया है, तो वो इफ़ेक्ट दिखाने के लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो छोटा सा पॉइंट आ रहा है वहाँ पे, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका ओपेसिटी आएगा, इसमें मैं यहाँ पे 70% कर दूंगा। तो दोनों जो मेरे फिल्टर है उसकी इफ़ेक्ट मिक्स हो जाएगी। तो अब मैंने यहाँ से स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के रखा है तो हम कभी भी फिल्टर को चेंज कर सकते हैं, कभी भी उसके मोड को हम चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको मोड रखना है मोड रख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे नॉर्मल मोड रख रहा हूँ। इतना करने के बाद हम इसके ऊपर अब हम मास्किंग ऐड करेंगे और उसमें फिर टेक्सचर ऐड करेंगे। मास्किंग ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले ऑल्टर प्रेस करके यहाँ पे जो मास्किंग का सिंबल है यहाँ पे क्लिक करना है। तो ऑल्टर प्रेस करने से क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर अपने आप फिल हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम डायरेक्ट टेक्सचर लाके रख सकते हैं। अब फाइल में मैं जाऊँगा, यहाँ से ओपन में जाऊँगा और यहाँ से मैंने ऑलरेडी टेक्सचर डाउनलोड करके रखे हुए हैं। उसमें से आपको जो भी टेक्सचर अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। इसकी लिंक मैं आपको नीचे वीडियो में दे दूंगा जहाँ से आपको ये वीडियो के जो रिलेटेड टेक्सचर मैंने यूज़ किया है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने एक ये टेक्सचर जो है इसको लोड कर दिया है। सबसे पहले इस टेक्सचर को आपको परफेक्ट इफेक्ट लाने के लिए इसको ब्लैक एंड वाइट करना पड़ेगा, यानी कि डीसेचुरेशन आपको देना पड़ेगा। उसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल यू। उसके बाद आपको इसमें थोड़ा बहुत हाईलाइट और शेडो इसका चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लेवल ऐड करना पड़ेगा जो ताकि आपका टेक्सचर परफेक्ट जो इमेज पे आप डालें उससे दिखे।
तो मैंने अपना टेक्सचर सेट कर दिया है। अब मैं कंट्रोल ए करूंगा फॉर ऑल सिलेक्शन, कंट्रोल सी करूंगा कॉपी करके, मुझे जहां पे चाहिए वहां लाके मैं पेस्ट कर दूंगा। ये मेरा टेक्सचर यहां पे आ चुका है। अब कंट्रोल टी करके मैंने इस टेक्सचर को छोटा कर दिया। टेक्सचर को मुझे जितना साइज में चाहिए था उतना छोटा करने के बाद कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल क्लिक और सिलेक्ट करना है, फिर इसका कॉपी करेंगे, इस लेयर को बंद कर देंगे। अब हमें हमारे जो ये मास्किंग किया था हमने इमेज में, उस लिंक को हम अनलॉक कर देंगे। अनलॉक करने के बाद अल्टर प्रेस करेंगे, यहाँ से अल्टर क्लिक करेंगे तो हमें जो मास्किंग किया हुआ एरिया है उसी के अंदर हम कोई भी इमेज पेस्ट कर सकते हैं। तो अल्टर प्रेस करने के बाद डायरेक्टली मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा। जैसे ही वी प्रेस करूँगा तो वो इमेज मेरा मास्किंग में सेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इमेज पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली वो टेक्सचर जो है मेरा इमेज पर अप्लाई हो जाएगा। दिख रहे अब मेरा जो टेक्सचर है, मैंने यहाँ पे अपना टेक्सचर ऐड कर दिया है और यहाँ पे अब मुझे जिस तरह से मेरे टेक्सचर को एडजस्ट करना है इस तरह से मैं छोटा बड़ा करके यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेक्सचर जो है मेरा एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद इस लेयर को मैं अब डिलीट कर दूँगा यहाँ से और एक दूसरा टेक्सचर ले आऊँगा। और दूसरा टेक्सचर कुछ इस तरह से है मेरा, इसको भी हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसका एक मैं डुप्लीकेट ले लूँगा। डुप्लीकेट लेने के बाद ये वाला जो मेरा यहाँ पे टेक्सचर है उसी के अंदर हम वो दूसरा वाला टेक्सचर ऐड करेंगे। तो इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे अल्टर सिलेक्ट करके इसमें हम वो टेक्सचर ऐड कर देंगे। कंट्रोल अल्टर क्लिक किया मैंने जो ओरिजिनल था मेरा, और मैं इसमें अब ऑल्टर दबा के क्लिक करेंगे और इसमें यहाँ से जो मैंने टेक्सचर दिया है दूसरा, कंट्रोल सी यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे, इस टेक्सचर का साइज़ मैं छोटा कर दूंगा। टेक्सचर का साइज़ आपके हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हो। फिर इसको कंट्रोल प्रेस करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर ऑल्टर क्लिक करेंगे और इसमें यहाँ पर वो टेक्सचर ऐड कर देंगे। अब मैं ये लेयर जो है मेरा उसको बंद कर दूंगा, फोटो पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल डी डी सिलेक्ट कर देंगे, इसको अनलिंक कर देंगे। अब इस टेक्सचर को मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे चाहिए यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, जहाँ पे भी आपको टेक्सचर चाहिए वहाँ पे आप रख सकते हो। उसके बाद इस लेयर को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा और एक दूसरा मैं यहाँ पर इसके ऊपर टेक्सचर ऐड करूँगा, ओरिजिनल जो मेरा टेक्सचर है। और इसका भी हम मोड चेंज करके कुछ डिफरेंट इफेक्ट ऐड कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। मैं यहाँ से अभी कलर मोड जो है वो लीनियर बन रख रहा हूँ ताकि जो मेरा इमेज है वो थोड़ा बहुत डार्क दिखे। और अब हम ओरिजिनल इमेज में भी अपना टेक्सचर ऐड करेंगे, ऑल्टर दबा के क्लिक करेंगे, यहाँ से दूसरा टेक्सचर लाएंगे, ये वाला टेक्सचर हम ले लेते हैं, इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी यहाँ पे जाएंगे, इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल टी से इसका साइज हम छोटा कर देंगे। साइज छोटा करने के बाद आपको जहाँ पे भी टेक्सचर एडजस्ट करना है वहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर आप यहां से कंट्रोल प्रेस करके वही प्रोसेस करना है, कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद इस लेयर को बंद करो, यहां अल्टर दबा के क्लिक करो और इसमें कंट्रोल वी पेस्ट करो, कंट्रोल डी करो, अनलिंक कर दो, वीडियो पे क्लिक करो, इमेज पे क्लिक करो, टेक्सचर पे क्लिक करो और यहां से इस आप कहीं पे भी मॉडिफाई कर सकते हो। टेक्सचर को आपको जहाँ पर ऐड करना है वहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। अब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरह से टेक्सचर को ऐड करना है और कहाँ पर टेक्सचर को रखना है, वो आप खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हो कि मुझे ये टेक्सचर यहाँ पे रखना है, मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ। और अब हम इसका एक अच्छा सा बैकग्राउंड बना देंगे, नया लेयर लेंगे यहाँ पे इसके नीचे, इसमें मैं अभी फ़िलहाल ब्लैक कलर ऐड कर रहा हूँ। और फिर मैं इफेक्ट्स में जाऊँगा, यहाँ से ग्रेडियंट में जाऊँगा, यहाँ से मैंने एक अच्छा सा ग्रेडियंट जो है ऑलरेडी बना के रखा है तो ग्रेडियंट में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ डार्क लाइट कलर। आप अपने हिसाब से भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, तो एक
बैकग्राउंड अच्छा सा मैंने बना दिया है। जैसे मैंने बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड किया तो थोड़े बहुत यहाँ पे टेक्सचर के जो कॉर्नर से वो दिख रहे, तो उसको मैं ब्रश टूल लेके मिक्स कर दूंगा अच्छी तरह से। तो ब्रश टूल लिया मैंने यहाँ से, कलर ब्लैक कर दिया और अब इस टेक्सचर को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। सॉरी, वाइट कलर रखेंगे यहाँ से। कौन सा टेक्सचर दिख रहा है वो आपको दिख रहा है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। हाँ, अब बराबर है। ये सबसे नीचे वाला टेक्सचर देखते हैं यहाँ, हाँ यही दिख रहा है। इस तरह से आप टेक्सचर को मिक्स कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे थोड़ी कैनवास जैसी मुझे इफेक्ट ऐड करनी है, तो मैं पैटर्न जो मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखा है नीचे, वहाँ से आप पैटर्न जो है वो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो डेविएंट आर्ट में से। तो हम एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे, यहाँ से पैटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न मैंने लोड करके रखी हुई है। आप आपके हिसाब से भी यहाँ से पैटर्न डाउनलोड करके उसको छोटा बड़ा करके खुद के हिसाब से पैटर्न ऐड करनी हो तो भी कर सकते हैं। मैंने कैलीग्राफिक पैटर्न का यूज़ किया है और यहाँ से देंगे ओके। तो इस तरह से कुछ हम डबल एक्सपोजर फोटो पेंट कैनवास पेंटिंग जैसे इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही टाइम में मैंने बहुत ही फास्ट तरीके से आपको हो सके उतना आपका कम टाइम लेके ये छोटा सा जो मुझे आता था थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि एक बार हम इसको रिपीट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इमेज एक लाना है। इमेज लाने के बाद उस इमेज पे आपको दो तरह के फिल्टर देने हैं। फिल्टर गैलरी में जाके आप पैटर्न हाफ टोन और पोस्टर कलर के आप इफेक्ट दे सकते हो। उसके बाद उसको आपको अल्टर दबा के मास्किंग कर देना है। मास्किंग करने के बाद एक टेक्सचर लाना है जो भी आपको इमेज के ऊपर अप्लाई करना है, वो टेक्सचर को आप कॉपी करके मास्क के अंदर पेस्ट करना है। और मास्किंग के अंदर पेस्ट करने के बाद आपको उसको एडजस्ट करना है कि आपको कहाँ पे रखना है वो टेक्सचर, किस तरह से उसको दिखाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप किस तरह से टेक्सचर दिखाना है। इसमें आप बहुत कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो, आपको जैसे क्रिएटिविटी करनी है वैसे जिस तरह से आपको इफेक्ट देनी है। मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया, आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से सॉफ्ट लाइट डार्क लाइट कलर के हिसाब से आपको जिस तरह से जो भी चेंज करना है वो कर सकते हो। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।